का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद हैं, जिनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सबसे पहले भाषण दिया और प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात रखी। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि और राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा, मंत्री शांति धारीवाल, बी डी कल्ला भी शिरकत कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा जुड़े हुए हैं। विवेक, बैठक चल रही है अमित शाह के साथ, क्या कुछ अब तक बैठक में निकल कर आया है, क्या जानकारी है आपके पास इस बैठक को लेकर? नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत उद्बोधन हुआ और तमाम सदस्य राज्य जो 8 राज्य जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य अधिकारी करीब 100 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए हैं। इस तमाम मसलों को लेकर के चर्चा की जा रही है। कई राज्यों ने अपने अपने स्तर की समस्याएं रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान संबंधित समस्याएं जो है तो इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। लगातार राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति जो है उसके लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पानी की बहुत कमी है, सिंचाई और पीने के लिए पानी यहाँ पर चाहिए। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उसको लेकर के यहाँ पर मांग रखी गई है। साथ ही जीएसटी में जो राज्यों के हित की राशि है उसको कहीं और ज्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही जीएसटी को लेकर के जो मुद्दे हैं वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक के दौरान रखे हैं। साइबर अपराधों जो प्रदेश और देश में बढ़ रहे हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए इसको लेकर के ठोस कार्य योजना होनी चाहिए। सिम मुहैया कराने की बात हो तो उसको लेकर के जो है एक ठोस नीति होनी चाहिए जिससे साइबर अपराधों को रोका जा सके। जी। वहीं महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है और इस तरह के अपराधों की जो है त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों गठन के लिए यहाँ पर बात रखी है। साथ ही अन्य मुद्दे जो राजस्थान से जुड़े हैं बिल्कुल। विवेक विवेक, अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्होंने क्या कुछ मुद्दे राज्य से जुड़े हुए रखे हैं, क्या ईआरसीपी का भी मुद्दा उठाया है? देखिए ईआरसीपी का मुद्दे के साथ ही ये तय माना जा रहा था कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इस बार भी जो है ये मुद्दा मजबूती से इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है। भाखड़ा नांगल परियोजना को लेकर के यहाँ पर बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर पानी की जो है खास कमी है। पीने के पानी हो चाहे सिंचाई का पानी हो, पानी की खास कमी यहाँ पर है। ऐसे में ये परियोजना जो है काफी महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाज से साबित होगी। केंद्र सरकार इस राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे तो कई जिलों को इसका लाभ मिल सकता है। भाखड़ा नांगल परियोजना को लेकर के मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है। जीएसटी के मुद्दे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठाते रहे कि समय पर जो है राज्यों को उनके हिस्से की राशि दी जाए, पुनर्भरण किया जाए और राज्यों को किस तरह से अंशदान जो है इसमें और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ज्यादा राज्यों को फायदा किस तरह हो सकता है। जो जीएसटी को लेकर के लंबित मुद्दे हैं उनका जल्द निस्तारण किया जाए, राज्यों की सहमति इसमें ली जाए। वहीं महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध देश में तेजी से बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए एक ठोस नीति यहाँ पर मांग की गई है और फास्ट ट्रैक अदालतें ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए जो है गठित की जाए। इसके अलावा साइबर अपराध देश और प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं, साइबर अपराधों को किस तरह से रोका जाना चाहिए इसकी ठोस नीति होनी चाहिए। साथ ही लगातार सोशल मीडिया जिससे अपराध बढ़ रहे हैं उस पर किस तरह से लगाम कसी जा सकती है। साइबर ठगी को रोकने के लिए जो सिम जारी की जाती है मोबाइल जो भारत है वो जो सिम मोबाइल कंपनियों से लेते हैं टेलीकॉम कंपनियों सिम देने की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से और ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है कि ये साइबर ठग या अन्य विवेक जो विवेक है। क्या इसके साथ उदयपुर के जो मुद्दा हुआ है उदयपुर कांड को लेकर भी चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए सोशल मीडिया का मुद्दा जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें उठाया है कि सोशल मीडिया को लेकर लगातार जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है, लगातार देखने में आता है कि सोशल मीडिया पर जो है किसी तरह की लगाम अब तक नहीं देखी गई है। हर कोई शख्स अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कहकर उससे कुछ भी जो है सोशल मीडिया पर कमेंट करता है, शेयर करता है या मैसेज वायरल किए जाते हैं, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के ये सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ती है। किस तरह से जो है केंद्र सरकार ऐसे मुद्दों को रोक सकती है, किस तरह से सभी राज्य आपस में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कर सकते हैं, ऐसे तमाम मसलों को इस बैठक के दौरान रखा है।